चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरब आश्रम में ही बनाया था। गांधी जी जहां चरखा चलाए करते थे, कारपेटरी का काम सीखते थे, दो साल तक कोचरब आश्रम में रहने के बाद फिर गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए थे। पुनर्निर्माण होने के बाद अब गांधी जी के उन दिनों की यादें कोचरब आश्रम में और बेहतर तरीके से संरक्षित रहेगी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की, नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है। 12 मार्च 2022 को इसी साबरमती आश्रम से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। दांडी यात्रा ने आजाद भारत की पुण्य भूमि तय करने में, उसकी पृष्ठभूमि बनाने में, उस पुण्य भूमि का पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और अमृत महोत्सव के शुभारंभ ने अमृत काल में भारत के प्रवेश का श्री गणेश किया। अमृत महोत्सव ने देश में जन भागीदारी का वैसा ही वातावरण बनाया जैसा आजादी के पहले दिखा था। हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी कि आजादी का अमृत महोत्सव उसकी व्यापकता कितनी थी और उसमें गांधी के विचारों का प्रतिबिंब कैसा था। देशवासी जानते हैं, आजादी के अमृत काल के इस कार्यक्रम के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। देश में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा
पेड़ पौधे लगा करके उनका पूरी तरह विकास की चिंता की गई। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। और हम याद है, हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत करोड़ों देशवासियों ने देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। अमृत महोत्सव के दौरान 2,00,000 से ज्यादा शिला पट्टिकाएं भी स्थापित की गई है। इसलिए साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से ये घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6-3-3-6 हो गया। और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी, मेरी तो कोशिश ऐसी कि जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साथियों, आजादी के बाद
जो सरकारें रही उनमें देश की ऐसी विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक तो विदेशी दृष्टि से भारत को देखने की आदत थी और दूसरी